नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन छात्र संगठन डूंगरपुर में SBP कॉलेज में AISF के कॉलेज इकाई कमेटी अध्यक्ष हेमलता कटारा व जिला सचिव गोपाल कृष्ण मीणा, कोषाध्यक्ष बदामीलाल आहारी, चंदूलाल बरंडा के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में इकट्ठा हुए तथा नारेबाजी के साथ प्राचार्य कार्यालय में पहुंचे। महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के अपनी पसंद की विषय की मांग को लेकर प्राचार्य माननीय सुधा भाटिया के मार्फत कॉलेज आयुक्तालय जयपुर को ज्ञापन सौंपा। अगर समय रहते विद्यार्थियों को अपनी पसंद की विषय नहीं मिली तो बड़ा आंदोलन करेगा AISF। एक वीडियो में प्राचार्य ने नौटंकी करते हुए कहा कि हम मोबाइल नंबर देते हैं, आप बात कर लो। ये कितनी शर्म की बात है कि डूंगरपुर की सबसे बड़ी कॉलेज में प्राचार्य ऐसी बात करें। कॉलेज प्राचार्य तो विद्यार्थियों को की हर समस्या के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा आदिवासी विद्यार्थी परेशान है। कॉलेज प्रशासन अपनी मर्जी से विषय थोपना चाहता है, ये एक तानाशाही है। इसके खिलाफ डूंगरपुर का हर छात्र और हर नौजवान माफ नहीं करेगा। कॉलेज में कुछ आदिवासी प्रोफेसर भी हैं, वो उनकी समस्याएं भी नहीं सुन रहे हैं। अगर विद्यार्थियों की समस्या है तो प्रोफेसरों को साथ देना चाहिए तथा इस अन्याय के खिलाफ साथ देना कोई बुराई नहीं है। AISF छात्र संगठन डूंगरपुर ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। इसके पहले समस्या का समाधान नहीं होता है तो AISF एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। विद्यार्थियों के न्याय के लिए सभी छात्र छात्राएं एकजुट हो जाएं, कॉलेज प्रशासन का जीना हराम कर दो। जब तक छात्र छात्राओं की मांगें पूरी नहीं कर ली जाती, आओ साथियों मिलकर इस लड़ाई को मजबूत बनाया जाए। छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अनिल कुमार, AISF, कॉलेज प्रशासन, होश में आओ। प्राइम न्यूज 24 से संवाददाता मनीष सेवक की एक खास